कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सबों ने न्यूमेरिकल चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उसे बनाने का प्रयास किया। मैंने पहले ही कहा है, न्यूमेरिकल सीखना है आपको, एक्सरसाइज करना ही एकमात्र विकल्प है। तो एक्सरसाइज करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पहले टाइम ड्यूरेशन भले ही ज्यादा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करेंगे, वैसे इम्प्रूवमेंट होगा। पहले टाइम टेकिंग जो है पहले तो बनेगा ही, ठीक है, और जब वो बनेगा, बनना शुरू होगा, तो टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा होगा। उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे हम लोग कम करेंगे, इस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जो है आप बस न्यूमेरिकल्स को बनाते जाइए, सारे न्यूमेरिकल चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम पे आपको पहले कोशिश करनी है, और वो कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चंस को आप खुद पढ़िए, खुद बनाने का क्वेश्चन को पहले समझिए, देन आप जो उसको बनाने का प्रयास करिए। किसी तरह का कोई भी चीटिंग जो है आपको न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफी दूर लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो न्यूमेरिकल चैलेंज का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन इनफैक्ट जो है जेईई मेंस 2015 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या है कि सिंपल जो आपका एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, बस उस एरर में यहां पर जो है परसेंटेज एक्यूरेसी जो टर्म है उस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया है, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो वो बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनेगा जैसा कि आप परसेंटेज एरर को निकालने में करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी। आप सब को मालूम है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी होता है। यहां पे देखिए मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी कि डेल्टा एल का वैल्यू जो है वह आपका 1 मिलीमीटर दिया गया है। टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन जो है पूरा 100 ऑसिलेशन का ही दिया हुआ है, 90 सेकेंड, यानी कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, एंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड, है ना। तो ये आपका डेल्टा टी का वैल्यू है। तो परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ स्मॉल जी जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चूंकि परसेंटेज एक्यूरेसी निकालना है स्मॉल जी का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको स्मॉल जी का फॉर्मूला जो है वह हम लोगों को निकाल लेना है, राइट। तो फॉर्मूला जो है ऑलरेडी आपके सामने है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी। सबसे पहले यहां पर देखिए गिवन डाटा क्या क्या है आपके पास। तो यहां पर देखिए हेयर एल इज इक्वल टू आप देख रहे हो 20 सेंटीमीटर, डेल्टा एल का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा एल का वैल्यू है। देन आप देखिए टाइम पीरियड कैपिटल टी का वैल्यू 90 सेकेंड है और डेल्टा टी का वैल्यू जो है आप देख रहे हो 1 सेकेंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी है, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो आप देख रहे हो टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो आप देखो ये टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो गया, 2π ये हो जाएगा, हम लोगों का स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर, और एल बाई जी है अंडर रूट, रूट कहने का मतलब है पावर 1/2, और उसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट जो है यहां पर हट जाता है। तो ये एल बट्टा कितना हो जाएगा, सॉरी एल बट्टा हो जाएगा हम लोगों का जी। अभी स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होगा, आप यहां पे देखो इस तरह से स्मॉल जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल बट्टा टी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू जो है हम लोगों का आ गया 4π स्क्वायर एल बट्टा टी स्क्वायर। अब यहां पर जो परसेंटेज एरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं
वहां पर जिस प्रोसेस को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, एक्चुअली इसमें भी, इस सवाल में भी जो परसेंटेज एक्यूरेसी जो है ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है, एक्जैक्टली वही प्रोसेस जो है यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब स्मॉल जी है, इसको क्या लिखा जाएगा, आपको बताया गया है डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 4π² जो आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की वजह से किसी भी तरह का कुछ चीज होना नहीं है। तो आप L जो है इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस डिवाइड करने के लिए अगर रहता है उसमें, तब भी हम लोग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या करते हैं प्लस करते हैं। टी स्क्वायर है तो 2 times डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये जो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 है इसी को हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी। तो परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी जो है ये कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल का वैल्यू आप देख रहे हो 0.1 है, उसको डिवाइड करना है 20 से इंटू यहां पर हो जाता है 100। अब यहां पे देखो प्लस 2 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 1 है डिवाइड बाय टी ये 90 है इंटू हम लोग क्या करेंगे 100, इसको काट देंगे ये 5 हो गया। तो यहां पर देखो परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो हमारा कितना आएगा, 0.1 इंटू 5 करेंगे ऑब्वियसली हमारा कितना आ जाएगा 0.5 प्लस यहाँ पे 10 को कैंसल आउट कर दीजिए ये हो रहा है हम लोग का 20/9 या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10 प्लस 20/9 लिख सकते हैं, एक कट गया तो 1/2 प्लस 20/9 हम लोग लिख सकते हैं। अभी आप देखो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 18 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ पर 40 हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 49/18 हो रहा है और 49 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 2.72 होगा। ठीक है, अब ये 2.72 जो है नियरली इक्वल टू 3 है, कहने का मतलब जो परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी है, परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी है वह कितना हो रहा है 3%, है ना, नियरली इक्वल टू 3%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हम लोगों का क्या है करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हम लोग जो एरर वाला, जो परसेंटेज एरर वाला जो क्वेश्चंस होता था जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम लोग परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी लिखते वहां पर हम लोग परसेंटेज एक्यूरेसी इन स्मॉल जी लिखेंगे। राइट, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है वह डायमेंशन से रिलेटेड है। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए अगर आप डायमेंशन से रिलेटेड जो वीडियोस बने हुए हैं अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो एक्चुअल में था क्या। न्यूमेरिकल चैलेंज का जो दूसरा क्वेश्चन था ये AIPFT 2015 का था। राइट, AIPMT का मतलब है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अभी जो नीट के नाम से एग्जामिनेशन होते हैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए, पहले वो AIPMT के नाम से जाना जाता था। तो 2015 के क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था उसे आप देखो, इफ एनर्जी कैपिटल ई वेलोसिटी वी एंड टाइम कैपिटल टी आर चूजेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो एनर्जी वेलोसिटी और टाइम को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर आप चूज करते हो तो बोलता है डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सरफेस टेंशन का क्या होगा। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर निकालना है तो आपको सरफेस टेंशन को लेफ्ट साइड में रखना है और जिन फैक्टर्स पे, जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे वो डिपेंड कर रहा है उसको इक्वल टू के राइट में आपको लिखने की जरूरत है। तो आप जो है कैसे इक्वेशंस बनाओगे, तो आप यहां पर देखो सरफेस टेंशन के लिए जो है हम लोग सीधा सीधा एस लिखते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है तो ई का पावर ए लिख दिया जाए, है ना। फिर हम लोग वेलोसिटी वी का पावर बी लिखेंगे और टी का पावर सी लिखते हैं। हम लोग क्या करते थे पहले कि स्टार्टिंग स्टेज पे जिस
फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लोगों को ऑब्टेन करना है, उसपे जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है डिपेंड कर रहे हैं, पहले हम लोग लिखते हैं सरफेस टेंशन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर ए, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर बी, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर सी, एंड देन आप कंबाइन करते हैं। बट आपको समय का भी ख्याल रखना है, कैसे हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ये भी हमारा कंसर्न में रहना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है ठीक है शॉर्टकट्स कैसे हम लोग ट्रिक्स जो है यूज करते हैं, कैसे कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दैट्स व्हाई हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। डायरेक्ट हम एक लाइन में लिखेंगे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देना है, ओके किस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, अपने से पावर लगा दिया ए बी और सी, तो ए बी सी जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन के लिए उसकी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा और हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ होता है, तो फोर्स के लिए हो गया एम एल टी का पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एल। तो यहां पर देखो ऊपर और नीचे एल एल है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एम एल टी का पावर कितना था माइनस टू, उसको डिवाइड कर रहे किस से एल से, तो यहां पर एल का पावर कितना हो जाएगा जीरो, एल तो बचेगा क्योंकि एल का पावर वन है, नीचे भी एल है, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। अब एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू का पावर ए हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए एल टी का पावर माइनस वन पावर हम लोग बी लिखेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग देख रहे टी का पावर कितना है सी, ठीक है सॉरी। अब यहां पर देखो क्या है, तो एम एल का पावर जीरो टी का पावर माइनस टू इज इक्वल टू, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं जितने भी पावर्स है उसको एज ए चीज हम लोग लिख देंगे, एम है एम का पावर कितना है भाई ए है, एल का पावर कितना हो जाएगा टू ए, टी का पावर कितना है माइनस टू ए, देन आफ्टर एल का पावर बी है टी का पावर माइनस बी है और टी का पावर कितना है सी है। अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर्स को क्या करते हैं जोड़ देने का काम करते हैं, तो m l का पावर 0 t का पावर माइनस टू। अब यहां पर देखो m कितना दिख रहा है, m कितना दिख रहा है सिर्फ एक, तो m का पावर a लिख दिया। अब देखो l जो है कितने सारे हैं है ना दो है, यहां पर l का पावर 2a है, यहां पर l का पावर कितना है b है, तो हम लोग l का पावर कितना लिख देंगे 2a प्लस b लिख देंगे, देन आफ्टर t का पावर कितना हो जाएगा जी माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का डायमेंशंस लेना होता है हम लोगों को, तो यहां पर अगर आप देखो दोनों तरफ के डायमेंशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर a इज इक्वल टू इधर m का पावर a है ना, इधर m का पावर कितना है वन, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो गया वन। तो अगर आप यहां पर देखो e का पावर जो है कितना आना चाहिए वन आना चाहिए, ए में है बी में है लेकिन सी में नहीं है, कहने का मतलब जो है सी वाला ऑप्शन जो है वह हमारा रॉन्ग है, राइट सी वाला ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। सपोज करिए अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हुए रहते कि सब में जो है ई का पावर कुछ और होता एक को छोड़ के जिसमें ई का पावर वन होता, तो डायरेक्ट वहीं तक हम लोग बनाते, पूरा लास्ट तक जो है हम लोगों को बनाने की जरूरत फिर नहीं होती, वहीं से जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर को पकड़ लेते हैं, राइट। बट ऐसा है आपको एक ऑप्शन जो है यहां पर रॉन्ग हो रहा है। अब यहां पर देखिए एल का पावर कितना है टू ए है प्लस बी है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं एल का पावर कितना है जीरो है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा ए का वैल्यू वन आ चुका है, तो टू इंटू वन टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू। अब देखा जाए कि यहां पर b का पावर b है और b का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, अब देखिए माइनस टू यहां पर नहीं है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर a गलत हो गया। फिर यहां पर देखिए b जो है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए माइनस टू,
तो ऑप्शन नंबर वन में तो नहीं था, लेकिन टू में हम लोग देख रहे हैं कि भी का पावर जो है वो -2 है, तो ये हो सकता है। फिर यहां पे देख रहे हैं चौथा में है। कहने का मतलब है यहां से एक ऑप्शन जो है हमारा निकल गया और वो हो गया आपका ए। ठीक है, तो इस तरह से ए और सी जो है पॉसिबल नहीं है। अब देखा जाए टी का वैल्यू यहां पर पावर में क्या है, -2a - b + c = 2। यहां पर आप देख रहे हो टी का पावर जो है वह कितना है, -2 है। अब देखिए ए जो है वह कितना है, 1 है, तो -2 × 1 - 2 लिखेंगे। माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 हो गया, +c = -2, ये -2 + 2 ठीक है 0 हो जाएगा। इस तरह से c = कितना हो गया, -2। अब यहां पर देखा जाए ठीक है कि यहां पर -2 है लेकिन यहां पर -1 है, राइट। तो हमारा करेक्ट, ठीक है ये तो गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ई भी का पावर -2, टी का पावर -2। तो जो भी आपने एक्सरसाइज किया है उस एक्सरसाइज को देखिए कि कहां पर आपसे कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करिए, दुरुस्त करिए, है ना। और एक्सरसाइज जो है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको नए न्यूमेरिकल्स जो है मैं ऐसे होमवर्क दूंगा। पहले आप ट्राई करिए, देन आफ्टर उसका सॉल्यूशंस का वीडियो जो है वो आप देखेंगे। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप लाभान्वित होंगे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।